हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए सुबह ही सुबह चल रही है तैयारियाँ, और आज है मेरे देवर जी की हल्दी। तो हल्दी के एक दिन पहले ना ताई का प्रोग्राम होता है, उस दिन क्या बनाया जाता है, ये पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं। तो पापड़ शाम को बना दिए थे, रात भर ये सूखते रहे, तो सुबह ही तेल के दिन ये पापड़ बनाए जा रहे हैं, मतलब तले जा रहे हैं, और अभी खाना भी बनाया जाएगा। और ये देखिए मैं आ गई हूँ नहा के, और अब मैं बनाऊँगी खाना पीना। तो ये मम्मी बुआ सास और ददिया सास ये सेक रही हैं पापड़, तो हमें बनानी है सब्जी, पूड़ी, पुए, लापसी। देखो अम्मा लपसी बना रही हैं, और ये अतौना बना के रख दिए अम्मा ने। चाचा देखो तैयार हो गए हैं, हाँ चलो चलो चलो। कटोरी नहीं मिली अभी। तो फ्रेंड्स, जोरों शोरों से चल रही हैं तैयारियां, और ये देखिए मैंने रसीली सब्जी बना के रख दी है, पूड़ियां भी बन गई थी, और जो पापड़ वगैरह थे वो भी सिक के रख गए हैं, और ये सूखी सब्जी भी बना दी है मैंने। फ्रेंड्स, सभी लोग चले गए हैं तेल पूजने यानी माता पूजने, तब तक मैं लास्ट में रह गई थी काम करती, तो फिर मैं गई नहीं, और मैं हो गई हूँ अब तैयार अपना। और अब शुरू होता है प्रोग्राम। तो यहाँ कंकन बन रहा है जो तेल चढ़ाएंगी उनको, और हरी चूड़ियाँ वगैरह पहनाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सभी लोग हो गए इकट्ठे, और यहाँ पे चाची जी दे रही हैं हरी चूड़ियाँ जो तेल चढ़ाएंगी उन्हीं को, और ये हमारी ननद जी हैं बांध रही हैं कंकन, क्योंकि अभी पंडित जी आए नहीं हैं, उन्होंने बोल दिया है जब तक हम मैं नहीं आऊँगा तब तक कंकन वगैरह बांध दो। और ये देखिए एक रस्म ये भी होती है जो तेल चढ़ाती हैं औरतें, तो वो ना ऐसे सात सात बार ये चावल कूटे जाते हैं। और ये देखिए हमारे देवर जी नहा धो के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पे ये वाली रस्म चलो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर बाई नंबर सभी लोग आते जा रहे हैं। ये हमारी देवरानी है, और ये हमारी है चचिया सास। तो सभी को ना करना है, और बुआ जी बैठी हैं, बुआ जी मैन है, तो बुआ जी बैठी हैं शुरू से एंड तक, और मेरा नंबर सबसे बाद में आया था, क्योंकि मेरी परी मैं परी को तैयार कर रही थी मेरी मिर्ची के हाथ से, तो परी के लग गए, और वो रो ही आ रही थी बहुत ज़्यादा। और अभी मैं ये कर रही हूँ रस्म, फिर भी परी हमारी रो ही रही है, उसके बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो फ्रेंड्स चलो, अभी ये रस्म तो पूरी हो गई है, अब चलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं, और अब ये रस्म और है, इसमें क्या करते हैं बड़ी भाभी हैं तो जो दूल्हे राजा के कान में तेल डालती हैं, तो वही मैंने भी डाला है अपने देवर जी के कान में। और तेल डालने के बाद अब आया है काजल लगाने का नंबर, तो चलो लगा देते हैं काजल। और काजल लगा दिया है, तेल भी डाल दिया है, तो अब आ गया है नेक का नंबर। तो नेक क्या मिला है मैं ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती हैं कोई भी कुछ देना मुट्ठी बांध के रख लेना चाहिए, और बस देने वाला जाने और लेने वाला जाने। Yeah.
और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हल्दी चढ़ चुकी है और अब ये रस्म होती है जो बुआ की और भतीजे की होती है। और ये देखिए ये कुछ होता है पता नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानती हूँ और मैं अंदर की साइड थी, वीडियो मेरी कोई और बना रहा था। और ससुराल में ऐसा ही होता है, खुद नहीं मैं पता है किसी ना किसी को मोबाइल पकड़ा देती थी मेरी वीडियो बना लो। और ये भी करना होता है 7 बार, तो ये बुआ जी के साथ ये वाली रस्म है। और दूल्हे राजा के चेहरे पर ना जो चंदन वाला फेस पैक आता है वही लगा दिया, और जो रेड रेड बिंदी है वो मरुवट बोलते हैं वही होता है, बुआ जी ने किया है। और यहाँ पे देखिए, और ये हमारी ननद खड़ी हुई है। तो हल्दी के दिन भाई के साथ बहन बैठाए या फिर भैया बैठाया जाएगा, तो ये छोटी हैं इनसे तो यही बैठाई जाएंगी। और बुआ जी कर रही हैं आरती। Thank you.
तेरी आ गई हो? आराम आराम से आओ। कहाँ गई थी? फ्रेंड्स अभी है शाम का टाइम और सुबह हल्दी का प्रोग्राम हो गया था। एक ही दिन है हल्दी और मंडप, एक ही दिन है। तो हल्दी हो गई है और अभी रख रहे हैं इनके मेहंदी। तो ये ननद है हमारी, मेहंदी रख रही हैं, और ये ननद है हमारी, टेलर हैं, ये सिलाई कर रही हैं। और साथ ही में ना बाहर की साइड देखिए भात भी पहनाया जा रहा है। बुआ जी ने मंडप काट दिया था और भात, आज मंडप ही है तो मंडप के दिन भात पहनाया जाता है, तो सभी लोग भात पहन रहे हैं। और ये देखिए ये हमारी बुआ जी हैं और मेरे हस्बैंड की मामी हैं, तो ये ना दोनों तरफ से मेरे पैर छूती हैं। और ये देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं अपने भात के इंतज़ार में, और मैं हूँ अंदर रूम में क्योंकि बहू हूँ तो इधर उधर ज़्यादा नहीं भाग दौड़ कर सकती हूँ। तो और ये देखिए बच्चा पार्टी, सारी मम्मी ना सारी काम में लगी रहती हैं तो बच्चों को बिजी रखने के लिए फिर मोबाइल दे देती हैं, तो बच्चे बस अपने शांति से बैठे रहते हैं एक जगह। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।